नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों जैसे जैसे भारत पीओके वापस लेने के लिए और तिब्बत को आजाद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर नाटो जैसा संगठन बनाने जा रहे हैं। मतलब कि अगर भारत को पीओके वापस चाहिए तो उसे चीन और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा, जिसमें परमाणु हथियारों वाले तीन बड़े देश शामिल होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीओके से या तो चीन ग्वादर तक पहुंचेगा या फिर भारत सेंट्रल एशिया तक पहुंचेगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसके दम पर भारत को न केवल पीओके और अक्साई चीन वापस मिलेगा, बल्कि तिब्बत भी आजाद होगा और चीन तकरीबन 8 से 10 हिस्सों में टूट जाएगा। जैसे सोवियत यूनियन के प्रभुत्व को कम करने के लिए उसे 15 भागों में बांटा गया था, ठीक उसी प्रकार चीन की दादागिरी समाप्त करने के लिए उसे 8 से 10 भागों में बांटना बेहद जरूरी है। इसी डर से चीन ने एक नाटो जैसे संगठन का निर्माण किया है जिसका नाम ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी GSI है। GSI के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन चीन कोई भी सिक्योरिटी इनिशिएटिव बना ले, अब उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ उसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में डूबने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ अब उसे टूटने का भी डर सता रहा है। उसने कई सालों से मानव अधिकारों से जुड़े हर प्रकार के अपराध किए हैं। इसी कारण जान बचाने के लिए वो तरह तरह के नाटो जैसे संगठन बनाने पर फोकस कर रहा है। लेकिन ये काम सोवियत यूनियन ने भी किया था। सोवियत यूनियन ने भी नाटो को टक्कर देने के लिए एक अलग संगठन बनाया था, लेकिन फिर भी वो टूटने से खुद को रोक नहीं पाया। अब आप कहोगे कि चीन की मिलिट्री तो बेहद ताकतवर है, उसके पास परमाणु हथियार भी हैं। तो देखिए, कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन भी कोई कम ताकतवर नहीं था, उसके पास भी परमाणु हथियार मौजूद थे। लेकिन जब भयानक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं तो बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन डोल जाते हैं, बड़े बड़े किंगडम और डायनेस्टी टूटने लगते हैं और अंत में वही हाल अब चीन का भी होगा, क्योंकि इसने लोगों को दबाते दबाते उनके घाव पर तेजाब डाल दिया है। चीन की अंतरात्मा में अब ये आवाज़ उठने लगी है कि उसने दूसरों की जमीन कब्जाई है, उसे तिब्बत को आज़ाद करना ही होगा, उसे अक्साई चीन को वापस भारत को देना ही होगा और पीओके से गुजरने वाले CPEC को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। लेकिन चीन अभी भी सुधरा नहीं है। महाभारत में जो गलती दुर्योधन ने की थी, ठीक वही गलती अब चीन भी करने जा रहा है। जैसे दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव भी नहीं दिए थे और युद्ध के लिए तैयार हो गया, अंत में उसके हाथों में सब कुछ छिन गया। उसी प्रकार चीन ने दूसरों की जमीन हड़पी हुई है, उसके बाद अब वो एक नया संगठन भी बना रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। मतलब उसका विनाश काल नजदीक आ चुका है। स्क्रीन पर देखिए, हमने आपको कई बार बताया है कि वास्तव में चीन ये सिर्फ लाल वाला हिस्सा ही है, बाकी के 6-7 बड़े इलाकों पर उसने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आज भी वो लगातार फैलता जा रहा है। इन सभी अलग अलग रंगों वाले इलाकों को तोड़ने की जरूरत है। अगर चीन को तुरंत रोका नहीं गया तो भविष्य में वो दिल्ली और मुंबई तक भी पहुंच सकता है। जब भारत में गठबंधन की कमजोर सरकार होगी, उस वक्त चीन किसी भी हद को पार कर सकता है। हालांकि फिलहाल वो भारत का 1 इंच भी जमीन कब्जा करने की हालत में नहीं है। गलवान घाटी में उसका मुंह लाल हो चुका है, लेकिन उसकी बदनीयती को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत को अपना खुद का एक नाटो जैसा संगठन बनाना चाहिए, जिसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और रूस जैसे देशों को शामिल किया जा सके, क्योंकि एशिया में इन सभी देशों को सुरक्षा प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अब भारत की है। ये सभी छोटे छोटे देश चीन के आतंक से परेशान हो चुके हैं और अब वो भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, ताकि भारत खुलकर चीन के साथ मुकाबला कर सके। स्क्रीन पर आप देखिए, जितने भी येलो कलर के देश हैं, ये सभी चीन से परेशान हैं। मेरे हिसाब से भारत को एक ऐसा नाटो संगठन बनाना चाहिए जिसमें ये सभी येलो कलर वाले देश शामिल हों, तब जाकर बीच में फंसे लाल चीन को कई टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अगर पीले वाले हिस्से में शांति सुनिश्चित करना है तो लाल वाले हिस्से को तोड़ना ही होगा, और ये काम भारत के लिए बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि चीन के आस पड़ोस में बसने वाले तकरीबन 18 देश चीन के विस्तारवाद के कारण सीमा विवाद की परेशानी से जूझ रहे हैं। चीन का कहना है कि वो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI के माध्यम से टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहता है। इस तरह का बयान देकर वो पाकिस्तान जैसे देशों की आंख में धूल झोंकना चाहता है, क्योंकि वास्तव में उसकी नीयत अंग्रेजों की तरह अलग अलग देश में कॉलोनी बनाने की है। इसके साथ ही GSI के माध्यम से चीन क्वाड, ऑकस और नाटो जैसे संगठनों पर भी लगाम लगाना चाहता है। जैसे नाटो के माध्यम से अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर लगाम लगाया था और नॉर्थ अटलांटिक एरिया को सुरक्षित बनाया था,
ठीक उसी प्रकार GSI के माध्यम से चीन, भारत और अमेरिका पर लगाम लगाना चाहता है और इंडियन ओशन इलाके में आतंक मचाना चाहता है। GSI बनाने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि चीन के हथियार बिक नहीं रहे। चीन नाटो जैसा एक संगठन बनाना चाहता है और उसमें शामिल देशों को अपने डिफेक्टिव हथियार बेचना चाहता है। हालांकि चीन कहता है कि GSI में हम लोग नाटो की तरह मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, बल्कि हम लोग डिप्लोमेटिक पीस और डायलॉग के माध्यम से इकोनॉमिक और ह्यूमन सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहे हैं। GSI का फायदा उठाते हुए चीन पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, जैसे कि आज नाटो और अलग अलग संगठनों के माध्यम से अमेरिका ने खुद को मजबूत बनाया है। वैसे देखा जाए तो चीन सिर्फ अमेरिका की कॉपी करने में ही लगा रहता है। GSI जैसे संगठन बनाकर वो कुछ और नहीं बल्कि पश्चिमी देशों को कॉपी कर रहा है। लेकिन भारत को चीन से दो कदम आगे निकलते हुए अगर पूरे एशिया और ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो उसके लिए हमें अपने नाटो तैयार करना पड़ेगा, जिसमें चीन को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अगर अमेरिका के अगले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो फिर भारत के द्वारा बनाए गए इस एशियाई नाटो में रूस और अमेरिका भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद भारत का यह नाटो हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसके सामने चीन का GSI, GDI, GCI, BRI और बाकी सब ड्रामा फेल हो जाएगा। अमेरिका कई सालों से चाहता है कि भारत को नाटो में शामिल किया जाए, लेकिन नाटो सोवियत यूनियन के खिलाफ बना था, इसलिए भारत अभी तक इसमें शामिल होने से बचता आया है। वैसे भी एशिया में अमेरिकी नाटो की कोई ज़रूरत नहीं है, एशिया में एक इंडियन नाटो की ज़रूरत है जिसमें रूस और अमेरिका जैसे देश शामिल हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली सभी को चीन के खिलाफ ही फाइट करनी है। रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी सब के सब चीन से परेशान हैं। ये सभी देश बेहद आसानी से भारतीय नाटो में शामिल हो जाएंगे। अब आप स्क्रीन पर भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की लिस्ट देख सकते हैं। अगर चीन कभी भविष्य में भारत पर हमला करता है तो ये सभी देश डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से भारत की मदद करने जरूर आएंगे। मेरे हिसाब से ये सभी देश इंडियन नाटो के सदस्य बन सकते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, इसलिए भारत को पावरफुल बनाने में सब लगे हुए हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ चीन में तानाशाही चल रही है और उसे तबाह करने के लिए दुनिया के सभी बड़े नेता एकजुट हो चुके हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत को अपना एक खुद का नाटो संगठन बनाना शुरू कर देना चाहिए। भारतीय नाटो में शामिल सभी देशों में ब्रह्मोस सप्लाई तेज कर देनी चाहिए। इन सभी देशों में भारतीय डिफेंस सिस्टम जैसे कि आकाश और पिनाका को भी तैनात करना चाहिए। भारत को जल्द से जल्द पश्चिमी देशों के साथ मिलकर लड़ाकू विमान बनाने में तेजी लानी चाहिए, ताकि हम इंडियन फाइटर जेट्स को छोटे छोटे देशों को एक्सपोर्ट कर सकें। ऐसा करने पर हम न केवल ग्लोबल साउथ के लीडर बनकर उभरेंगे बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के बेताज बादशाह भी बन जाएंगे। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।